बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रबी यस्सिर वला तुयस्सिर व तमिम बिल हैर रबी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ दी मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 7। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 2.5। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने जो था ना इनको मल्टीप्लाई किया था, और उसके बाद इधर भी ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करना है, और जो लाइक टर्म्स आ जाएंगे उनको हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक स्टूडेंट्स, इसको हमने ये देखें 2x³ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये वेरिएबल सेम होंगे तो उनकी जो पावर्स होंगी वो जो होंगी ना वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x⁴। ठीक, ये होगा माइनस का साइन आएगा और इधर आ जाएगा 2x³y। ठीक स्टूडेंट्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3xy। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इधर आएगा 3y². अब ये सारी डिफरेंट टर्म्स हैं, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं आई हुई है, हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड दिस इज आवर आंसर, वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आ गया ये हमारे पास 4x², ये 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ वो गेट 10x, ये 10 2 से मल्टीप्लाई हुआ वो गेट 20, -5x, माइनस माइनस प्लस 5 2 × 10। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर आ गया। अब देखें लाइक टर्म्स, ये x और x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये सॉल्व होती हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 4x² 10 में से 5 माइनस किए वी गेट 5x, 10 में 20 ऐड हो गया, ठीक, एंड वी गेट 30। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ द आंसर, नाउ इट्स सॉल्व। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये हमारे पास फ्रैक्शन में है 2/3x², ये अब इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 2/3x, और ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस 4x/3। ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब जो है ना, इसने आगे इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक फ्रेंड्स, ये इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, अब ये टर्म्स भी आपस में जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे भी कर सकते हैं आप, पहले इसको मल्टीप्लाई करने और फिर उसको जो है ना 2/3 से मल्टीप्लाई करने, वैसे ईजी हो जाएगा। ठीक, अब हमने इसको किया 2/3x² प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2/3x² आ गया 2/3x², फिर 2/3x को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 4/3x। ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ वी गेट -4/3x। ठीक है, पहले हमने ये वाली वैल्यू को इससे और इससे, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब नेक्स्ट हम इससे जो है ना इसको और फिर इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये मेरे पास आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -8/3। ठीक है, ये ब्रैकेट जो है ना इधर आएगी। ठीक फ्रेंड्स, ये और 7 जो है ना वो n² है। ठीक है, इट्स मीन्स कि n² जो है ना इन सब से जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, देखें ये सेम वैल्यूज आ गई हैं, हम इसको जो है ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर इधर हमारे पास आ गई 2/3x² एंड प्लस 2/3x² एंड -8/3 एंड बाहर एन। जी फ्रेंड्स, ये n² जो है ना ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3x² प्लस 2/3x² n² -8/3 n² एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बोथ के जो है ना वो आप पीछे से आंसर्स जो है ना ये रॉन्ग है क्वेश्चन के। ठीक सेंस, यही इनके जो है ना एग्जैक्ट आंसर्स आ रहे हैं। पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इधर आ गया 6x² 3 से मल्टीप्लाई हुआ -3x, इससे हुआ -12 प्लस 4x². ठीक, एंड प्लस 8। ठीक, अब ये लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 6 में 4 ऐड हुए वी गेट 10x² एंड -3x एज इट इज़, और ये इसमें से माइनस हो गया वी गेट -4। ठीक है, होगा माइनस और साइन, जो बिगर वैल्यू है इधर माइनस वाली है, बिगर वैल्यू वो वाला आएगा।
ठीक सेंस, एंड दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, नाउ इट्स सॉल्व. आंसर नंबर 5, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. ठीक सेंस, ये नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में ये इससे ये सब मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 भी इनसे मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर माइनस है, इसका हमने हाथ से ध्यान रखना है क्योंकि माइनस से जो होता है ना ये साइन जो होता है ना आगे चेंज होते हैं सबके. ठीक, इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे, 4m को मल्टीप्लाई करेंगे m के, माइनस 4m प्लस 4. ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे m के, माइनस 4m प्लस 4. ठीक, इधर आ गया माइनस, ये साइन बड़ी ब्रैकेट में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इन्होंने साइंस ने चेंज होना है. ठीक है, 2m मल्टीप्लाई होगा 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4. ठीक है, माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m एंड माइनस 4. ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसको मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4m क्यूब माइनस 16m एंड 16m स्क्वायर एंड दिस इज 16m. ठीक, दिस इज 3m स्क्वायर माइनस 12m. ठीक है, एंड दिस इज 12. 4m क्यूब प्लस 6m. ठीक, ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 8m. ठीक, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 6m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 12. ठीक फ्रेंड्स, अब हम लाइक टर्म्स को जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे. ठीक, इधर 16 में से इसको माइनस करें, वी गेट 13. ठीक, एंड 16 में से 12 माइनस किए, वी गेट 4m एंड प्लस 12. ठीक, ये माइनस, इसको इसके भी साइन अंदर से आप लाइक टर्म्स को जो है ना वो सॉल्व कर लें अगर हैं. हाँ जी, ये 6m स्क्वायर एंड ये प्लस 6m स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया. ये 8 में 9 ऐड किए, वी गेट 17m. ठीक, एंड प्लस 12. अब ये माइनस का साइन है, ये अंदर जो है ना वैल्यूज़ को चेंज करेगा. 13m स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4m क्यूब प्लस 17m एंड माइनस 12. देखिए, माइनस 12 प्लस 12 कैंसल, 4m क्यूब एंड दिस वन इज़ आल्सो कैंसल. ठीक है, ये रह गई फिर वैल्यू माइनस 13m स्क्वायर, और ये इसमें ऐड हो गया, 17 में 4 ऐड किए, वी गेट 21m. ठीक फ्रेंड्स, एंड नाउ फ्रेंड्स दिस इज द आंसर. नाउ फ्रेंड्स पार्ट नंबर 6, 4x माइनस 8y. सबसे पहले जो है ना वो हमने ये स्मॉल ब्रैकेट को जो है ना वो सॉल्व करना है. ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज ही आ जाएंगी. या आपने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4x एंड माइनस माइनस प्लस 6y. ठीक फ्रेंड्स, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, 4x में से जो है ना वो 4x माइनस हो गए 8y, तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस 6y. ठीक फ्रेंड्स, अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म होगी. अब ये ब्रैकेट ख़त्म हुई तो ये हमारे पास आ गया 4x माइनस 2y. ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सिक्स्थ पार्ट. पार्ट नंबर 7, इधर भी पहले अब ये हमारे पास ये वेनकुलम या बार इसको बोलते हैं, पहले हमने ये सॉल्व करना है. अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले साइंस जो है ना वो चेंज हो जाएंगे. ठीक, अगर बाहर पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज ही रहेंगे. ठीक फ्रेंड्स, पहले हमने इसको सॉल्व करना है, 8x प्लस 6x माइनस 2, 2y माइनस 4, z माइनस 3x प्लस 2y. ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया. अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट को जो है ना वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, 8x प्लस 6y माइनस 2y माइनस 4z माइनस माइनस प्लस 12x एंड माइनस 8y. ठीक फ्रेंड्स, इसको आपने सॉल्व किया तो ये 12x एज इट इज़, ये y जो है ना ये सेम है. ठीक, ये 8x
सिक्स वाई माइनस टू, इधर वैल्यू आएगी आपके पास 12x, वाई की आपने माइनस किया वी गेट 6y माइनस 4z। ठीक है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 8x 6y 24x प्लस 12y एंड माइनस 8z। ठीक है, माइनस माइनस ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इस इधर देख लेंगे कौन सी टर्म्स सेम है। ठीक है, 12 में 6 प्लस होगा तो 18 आ जाएगा, 8x 18y माइनस 24x प्लस 8z। ठीक है, इधर ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, बस यही अंदर सॉल्व करने वाली थी, ये सॉल्व हो गई, साथ इधर कोई नेगेटिव नहीं जो हमें चेंज करनी पड़े वैल्यू या कुछ नहीं, इस वजह से जो है ना इसकी ज़रूरत नहीं। अब 24 में से जो है ना ये माइनस हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 माइनस की ये वी गेट 16x माइनस 16x प्लस 8z। ठीक सेंस, एंड दिस इज द आंसर ऑफ 7th पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8, दिस इज 8m 2n प्लस 6। ये बाहर पहले हम इसको वैन क्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमने किया 4m, ये बाहर माइनस है तो ये जो है ना ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 2m स्केयर माइनस 2m स्केयर माइनस 2n। ठीक फ्रेंड्स, ये आ गया 8m माइनस 2n प्लस 6, ये साइन चेंज करेगा, माइनस 4m प्लस 2n माइनस 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4, 2m स्केयर माइनस 2m स्केयर और ये हो गया पॉजिटिव 2n। ठीक फ्रेंड्स, ये भी माइनस की हमने इधर से भी चेंज किए, ये भी जो है ना वो हमने चेंज किया। ठीक, अब जो है ना जो लाइक टर्म्स हैं उनको जो है ना वो आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक, ये सेम है, ये कैंसिल होगी स्केयर स्केयर वाली। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर आ गया 8m माइनस ये 2n 2n एंड 6n। ठीक है, एन वाली सेम, ये मेरे पास आ गया 6n प्लस 6। ठीक है, माइनस 4m। ठीक है, 6 भी ये 2 में से माइनस होगा, वी गेट 2। ठीक फ्रेंड्स, ये आ गया, ये इधर माइनस है, माइनस इनकी जो है ना साइंस को चेंज करेगा, 8m माइनस 6n प्लस 2 प्लस 4m। ठीक फ्रेंड्स, ये 8 में 4 ऐड हुए, यू गेट 12m माइनस 6n प्लस 2। ठीक, एंड दिस इज द आंसर ऑफ 8th पार्ट। जी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में माइनस आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और यही इसका एक्यूरेट आंसर है, आपकी बुक के पीछे जो है ना वो आंसर होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, 9th पार्ट, 9th पार्ट में ए बी प्लस 2x माइनस, ये मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 2y प्लस 4z। ठीक, एंड दिस इज माइनस 2। ठीक फ्रेंड्स, अब ये माइनस साइन सबके साइंस को जो है ना वो अंदर चेंज कर देगा। ठीक है, 2x माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4z एंड प्लस 2। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको हमने सॉल्व किया, ये x x कैंसिल हो गया और ये बाकी की वैल्यूज रह गई, ए बी 2y माइनस 4z एंड प्लस 2। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ 9th पार्ट, ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। नाउ स्टूडेंट्स, 10th पार्ट, 10th पार्ट में जो है ना सबसे पहले हम वेंकुलम और बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3x माइनस 4y बार सॉल्व हुई, वी आर गेट 3x प्लस 2x। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया और माइनस 2x। जी फ्रेंड्स, अब ये माइनस है, अंदर वाले सब साइंस को चेंज कर देंगे, पहले हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। ठीक है, 3x माइनस माइनस 3x।
ठीक है, ये देखें ये 3x पॉजिटिव है और ये 3x नेगेटिव है, ये इधर ही ख़त्म हो रहा है। ठीक है, माइनस माइनस 4, ठीक है ये आ गया हमारे पास 4y। ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव का 4y और ये साथ माइनस का 2x। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया और ये साथ हमारे पास 2x। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाता है माइनस 5x ठीक प्लस 4y प्लस 5 माइनस 2x। ठीक स्टूडेंट्स, ये अब ना इस ब्रैकेट से जो है ना ये बाहर नेगेटिव है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास आएगा 3x प्लस 5x माइनस 4y माइनस 5। ठीक फ्रेंड्स, ये इससे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे नहीं हो रहा, ये बाहर है इस ब्रैकेट से। ठीक फ्रेंड्स, तो ये फिर ऐसे आ जाएगा 2x। अभी मैं इसको सॉल्व करेंगे 5 6 7 8, 8 में से 2 माइनस किए 6x माइनस 4y माइनस 5। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ 10th पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। Now students, this exercise is finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.